दिल्ली हाई कोर्ट को फंड मुहैया न कराने पर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को तगड़ी फटकार लगाई है। साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर सरकार फंड जारी क्यों नहीं कर रही। दरअसल अपेक्स कोर्ट ने सरकार को गुरुवार तक फंड देने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी फंड की कमी के चलते अदालत से जुड़ी परियोजनाओं के अटकने की खबरें सामने आ चुकी हैं। सीजीआई चंद्रचूड के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में शामिल थे। कोर्ट ने कहा, क्या हो रहा है, आपकी सरकार क्या कर रही है? आप दिल्ली हाई कोर्ट को कोई फंड नहीं देना चाहते, आपको गुरुवार तक रुपए देने होंगे। ये एक मॉडल हाई कोर्ट है और इसकी ताकत देखिए, जजों की ट्रेनिंग चल रही है और कोर्ट रूम तक नहीं है। कोर्ट ने कहा, हम इसे गुरुवार के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं। सीजीआई ने पाया कि मार्च 2021 में ही 4 में से 3 परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अब तक फंड जारी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 5 दिसंबर तक हाई कोर्ट की स्टेट रिपोर्ट में 887 न्यायिक अधिकारियों, 15 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स और 813 अधिकारियों की स्वीकृति संख्या के संकेत मिलते हैं। अब मंजूरी प्राप्त इस संख्या को 118 कोर्टरूम की जरूरत है, साथ ही 114 और कोर्टरूम्स की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि फंड देने में देरी होना दुखद है, साथ ही कहा कि दिल्ली जिला न्यायपालिका के प्रति दिल्ली सरकार का ढुलमुल रवैया भी सही नहीं। शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और राज्य सरकार को बैठक करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि मीटिंग के जरिए जिला न्यायपालिका में कमी को दूर करने का तरीका निकाला जाए। दरअसल नवंबर में फंड की कमी की बात दिल्ली हाईकोर्ट भी उठा चुका है। तब ACJ मनमोहन ने कहा था, अगले साल तक 100 मजिस्ट्रेट तैयार हो जाएंगे और हमारे पास उन्हें लगाने के लिए जगह नहीं है। हमारे पास नई अदालतों के लिए जगह या फंड नहीं है। किसी भी जिला कोर्ट में 1 इंच जगह नहीं। दिल्ली सरकार ना पैसा दे रही है और ना ही जगह। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फंड जारी नहीं कर रहे।